एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट निशान सिंह और अभी हम लोग मौजूद है द ब्लैक डायमंड सिटी धनवार सिटी में। और अभी हम लोग आपको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यहां का मोका द कैफे और बार रेस्टोरेंट को, जहां पे हम लोग एंजॉय करेंगे आज की नाइट जो कि काफ़ी शानदार होने जा रहा है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं नज़र। दोस्तों यहाँ से एस्केलेटर से आप ऊपर आते हैं और ये देख सकते हैं शानदार खूबसूरत डिजाइन के साथ द मोका वेलकम करते हुए हमारे मोका के लोग। यहाँ से हमारी एंट्री होती है और आप देख सकते हैं साइन एंड ब्राइट, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो इंटीरियर है माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ का डिजाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। ऊपर का आप झूमर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का जो सिस्टम बनाया गया बैठने का। यहाँ हमारा बार एरिया है जहाँ पे आप लोग मॉकटेल वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और साथियों यहाँ की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं टॉप में जो डिजाइनिंग दिया गया है झूमर के साथ जो बनाया गया है, और यहाँ का जो अंदर का जो माहौल है काफ़ी अलग तरीके का यहाँ का व्यू है। दोस्तों रेस्टोरेंट तो काफ़ी गए होंगे लेकिन इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का इंटीरियर आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा जो कि यहाँ मोका रेस्टोरेंट एंड बार में आपको मिलेगा धनवार सिटी में। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारे भैया लोग मॉकटेल वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आज जो आने का खास मकसद है वो है क्या, हमारे प्यारी भांजी रिधि का आज जन्मदिन है जो कि हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं द मोका रेस्टोरेंट में। और यह हमारी भंगनी रिधि और मेरी बहन जो कि आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं इस रेस्टोरेंट में। आज हम लोग बताएंगे यहाँ का कैसा रहा आज का डिनर, कैसा रहा हमारा आज का नाइट सेलिब्रेशन बर्थडे का, काफ़ी सारा चीज़ हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ का मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ काफ़ी अच्छा है, एक एक स्टाफ की बिहेवियर बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों पहले हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ का क्या लंच है, कैसा टेस्ट है और कैसा यहाँ का हॉस्पिटैलिटी है। ओके, तो दोस्तों हम अपनी प्यारी भांजी रिधि का पहला जन्मदिन आज यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग इनको ब्लेसिंग देने यहाँ पे पहुँचे हैं। प्यारी भांजी आज बहुत खुश है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका केक कटिंग होना शुरू हो गया है मम्मी पापा के द्वारा। इसका जो केक का डिजाइन रखा गया है वो एंग्री बर्ड के वॉल पे रखा गया है, जो कि काफ़ी बच्चों का पसंदीदा चीज़ है। एंग्री बर्ड्स गेम आप लोग ने भी खेला होगा। और प्यारी भांजी आज मज़ा ले रही है बर्थडे का, तो एंजॉय। दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ के डिनर्स को एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये हमारा मॉकटेल आ चुका है, इसका टेस्ट लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहीं पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। जो आप देख रहे हैं सामने जो बैलून है इसका अलग से चार्ज लगता है। दोस्तों यहाँ पे आएंगे आप आराम से यहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो यहाँ का पनीर टिक्का का और साथ में वेज पनीर रोल का, जो कि यहाँ का काफ़ी पसंदीदा टेस्ट में से एक है, आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ का मैं बाहर का रूफटॉप एरिया दिखाऊं जहाँ लिखा हुआ है कोल कैपिटल्स, एंड ऊपर का जो डिजाइनिंग है काफ़ी शानदार। और साथ में आपको यहाँ का रोड का नज़ारा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक बाइट लेते हैं पनीर टिक्का का, जो कि काफ़ी डेलीशियस दिख रहा है, यम्मी। ये हमारा पहला बाइट तैयार है दोस्तों। और साथ में ये हमारा बाहर का खूबसूरत नज़ारा नाइट का, देख सकते हैं अभी रात के 10 बज रहे हैं दोस्तों और ये नज़ारा अभी भी काफ़ी शानदार यहाँ का धनवार सिटी। सामने में बहुत सारे मॉल वगैरह आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन से सारे मॉल वगैरह हैं। ये हमारा रोड व्यू और साथ में हमारा ये रूफटॉप एरिया द मोका का। ये हमारा नेक्स्ट सूप का टेस्ट ले रहे हैं जो कि काफ़ी यम्मी है दोस्तों। इसका देख सकते हैं प्रेजेंटेशन देने का तरीका सूप का काफ़ी अलग है, आप देख सकते हैं ये बर्तन। तो दोस्तों खाने की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ का सलाद का प्रेजेंटेशन, पापड़ हो गया, अचार हो गया, इधर हमारा पनीर का आइटम है, सेकंड हमारा मिक्स वेज है जिसमें सारा चीज़ एडेड है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा दाल मखनी है जो कि चढ़ा हुआ है। सारे आइटम फुल फ्रेश, हाइजीनिक और
गरम सामने आपको रखा हुआ है। यहाँ हमारा जीरा राइस है, जो कि सारे चीज़ फ्रेश आइटम रखे हुए हैं खाने के लिए। और यहाँ हमारा तंदूरी रोटी, नान और कुछ स्वीट्स है। इसमें लच्छा पराठा भी एडेड है दोस्तों, तंदूरी रोटी प्लस लच्छा पराठा। और ये बच्चे खेल रहे हैं हमारी रिधी के साथ, जो कि पार्टी में आए हैं, इंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ हमारी प्यारी रिधी। क्या रिधी बाबू, उलो लो 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 लो। देख सकते हैं दोस्तों बच्चे लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को देख करके। और साथ में हमारा डिनर तैयार है, चलिए दोस्तों। हम लोग ने अपने प्लेट में थोड़ा पनीर लिया है, इधर हमारा दाल मखनी है और नान है, प्लस जीरा राइस है, सलाद है, पापड़ है। सभी चीज़ों को हम लोग टेस्ट करेंगे खा करके। देखने में काफ़ी यम्मी डिलीशियस, लुकिंग वेरी टेस्टी, और खा के देखते हैं दोस्तों यहाँ का टेस्ट कैसा है। बहुत ही लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने काफ़ी इसका तारीफ़ किया है, और हम लोग भी देखते हैं खा करके यहाँ का टेस्ट। मोका रेस्टोरेंट द कैफ़े, आप लोग को भी यहाँ अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करना है 50, 60, 70, 100 लोगों का, तो यहाँ इजली वे में कर सकते। काफ़ी शानदार तरीके से आपका यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। और दोस्तों सच में मैं बात करूँ यहाँ का टेस्ट का, तो काफ़ी वंडरफुल और डिलीशियस मुझे भी लगा। जैसा कि लोगों ने बताया वैसा मुझे भी लगा, कोई कमी नहीं है टेस्ट में दोस्तों। अगर आप आते हैं इस कैफ़े में तो ऐसे भी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स कपल के साथ यहाँ आ करके टेस्ट का एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे गेस्ट लोग यहाँ पे खानों का टेस्ट का एंजॉय कर रहे हैं, डिलीशियस, जो कि बनाया गया है यहाँ मोका द कैफ़े रेस्टोरेंट की तरफ से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ऐसा टाइप का वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा और आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।